अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? इंशाल्लाह आप लोग सब लोग ठीक होंगे। ये सुबह का वक्त है तो मैं चाय बनाने के लिए रख दी हूँ और अंडा बॉईल करने के लिए रख चुकी हूँ। ये मेरा सुबह का बस सिंपल सा नाश्ता है। मेरा आज बिल्कुल भी हैवी नाश्ता करने का बिल्कुल भी मन नहीं है, तो बस मैं चाय, टोस्ट और अंडा ही खाने वाली हूँ। और मैं आप लोगों को बताती हूँ मैं माल्टा का जूस कैसे निकाल रही हूँ। बस सिंपल, मेरे पास जूसर में मैंने जूस नहीं निकाला है, दो माल्टा ले लिया और उसके ऊपर से छिलका मैंने छील लिया। बीच में से आप कट कर लें और उसका बीज निकाल दें। बीज के साथ तो बिल्कुल भी ना पीसें, बीज के साथ पीसेंगे तो आपका जूस कड़वा हो जाएगा। तो माल्टा का जूस वो कड़वा हो जाता है, इसीलिए बीज हमेशा निकाल दीजिए इसका और छान लें। और ये पल्प कैसा है? जूसर में अक्सर करके पल्प ज़्यादा निकल जाता है, और मिक्सर में कैसा है, पल्प को पीस लेंगे, साथ में सब पीस लेते हैं बारीक, तो जूस में चला जाता है, तो उसके न्यूट्रिएंट्स विटामिन उसी में रहते हैं। पल्प वगैरह ज़्यादा निकालने से ये होता है कि पल्प अगर निकल जाता है उसके न्यूट्रिएंट्स विटामिन भी ज़्यादा निकल जाते हैं, तो इसीलिए पल्प जूस में ही ज़्यादातर रहने दें। तो देखिए मैंने छाना तो थोड़ा सा ही पल्प निकला है, और पानी जितना आपको चाहिए, मैंने दो ग्लास बनाया, बस दो माल्टा का ही बनाया है। हम तो माल्टा कहते हैं, ये फ्रूट को शायद से माल्टा ही कहते हैं। तो थोड़ा सा मैंने ये पानी डाला है, बस थोड़ा सा, क्योंकि मुझे दो ग्लास ही चाहिए था और मेरा जो फ्रूट था वो काफ़ी जूसी था, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा। आप करीबन एक ग्लास पानी ले लें अगर ज़्यादा जूस वाला फ्रूट है तो, एक से डेढ़ ग्लास। तो देखिए मेरे दो ग्लास एकदम परफेक्ट दो ग्लास बन चुके थे। और ऐसे ही मैं ककड़ी और गाजर का भी जूस बनाती हूँ। इधर मैंने दो गाजर ले लिया और हाफ ककड़ी ले लिया बस। अगर आपके पास बीट है तो आप बीट भी ले सकते हैं, तीनों को पीस लें, बट मैं आज सिर्फ गाजर और हाफ़ ककड़ी ही पीस रही हूँ। और दो ग्लास से थोड़ा ज़्यादा बन गया था क्योंकि मैंने थोड़ा सा पानी ज़्यादा डाल दिया था। तो आप अपने अंदाज से जब आप पीसेंगे, जब उसे छान देंगे, तो जब चम्मच से चलाएंगे तो आपको आइडिया मिल जाता है आपका जूस ज़्यादा गाढ़ा है या पतला है। तो इतने के लिए आप सिर्फ एक से डेढ़ ग्लास पानी डाल दें बस। देखिए मेरा काफ़ी गाढ़ा है अभी, मैंने बहुत कम पानी डाल के इसको मैंने पीसा है, तो थोड़ा सा मैं पानी डालूँगी और वो अच्छे से, मतलब जूस ना ज़्यादा गाढ़ा होगा ना पतला होगा, तो बहुत अच्छे से वो जूस बन जाता है। आप अपने डाइट में रोज़ एक फ्रूट तो रखा करें, रोज़ अपने डाइट में फ्रूट और ये ककड़ी हो गया, गाजर हो गया, या तो सैलेड की तरह खा लें या तो जूस बना के पी लें, क्योंकि ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसीलिए अपने डाइट में हमेशा रोज़ रखा करें कोई भी फ्रूट, चाहे एप्पल हो जाए, चाहे माल्टा हो जाए, चाहे कोई भी फ्रूट, चाहे संतरे हो जाए, चाहे वाटरमेलन, कुछ भी फ्रूट्स तो लेकिन हमेशा अपने डाइट में रखा करें। और ककड़ी भी खाया करें, गाजर भी खाया करें, बहुत अच्छा रहता है हेल्थ के लिए। तो देखिए जूस मेरा बन के तैयार हो चुका है, कितना अच्छे से गाजर और ककड़ी का जूस मिक्सर में भी बन जाता है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि जूसर नहीं है तो फिर कैसे बनाएं, परेशान होए, तो इसमें परेशानी होने की कोई बात ही नहीं। अपने घर में मिक्सर है, मिक्सर में पीस लें। अगर आपके पास छानने वाला नहीं है तो कपड़े से छान लें, तो वो अच्छे से बन जाएगा। तो मैंने बना लिया छान के, देखो कितने अच्छे से जूस बन गया। मैं फिर आप लोगों के साथ एक और छोटी सी चीज़ शेयर कर रही हूँ जो मुझे बहुत सही लगा। जैसे ये मैंने नया कढ़ाई लिया था, तो जब मैंने नया कढ़ाई लिया था तो देखो बीचों बीच में पेपर चिपका हुआ था, और पेपर कैसा है, मैं पानी डाल के रख दिया भीगने के लिए और ऊपर से पेपर मैं निकाल रही थी तो भी नहीं निकल रहा था, और वैसे ही मैंने उसको घसा तो पेपर तो निकल गया, लेकिन वो जो गम रहता है ना वो नहीं निकल रहा था ठीक से। तो मैंने बस क्या किया, थोड़ा सा गर्म पानी पानी डाल के उसको गर्म किया, तो देखिए वो गम भी निकल गया, जिसमें जैसे पेपर हम चिपकाया रहता है तो उतना एरिया में पूरा ये गम था,
मतलब स्टिक स्टिक था, बस पानी गरम किया और थोड़ा सा थोड़ा दो तीन थोड़ा टाइम पानी गरम करके उसमें मतलब वही गरम किया, फिर उसके बाद पानी निकाल के और कांता से मैंने घस दिया। तो देखिए कितना अच्छे तरीके से वो गम भी निकल गया और कढ़ाई एकदम क्लीन हो गई। ये नया कढ़ाई है, लास्ट व्लॉग में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था एक व्लॉग में, ये मैंने डीमार्ट से कढ़ाई लिया था और ये बहुत ही अच्छी लगी मुझे कढ़ाई। ये फर्स्ट टाइम मैंने इसमें सब्ज़ी बनाई है, ना सब्ज़ी ज़्यादा चिपकी भी नहीं है, बस थोड़ी बहुत चिपकी थी, ज़्यादा तो बिल्कुल भी नहीं चिपकी थी। आलू परिवार की सब्ज़ी मैंने बनाया था, तो इसमें मैंने कांदा तड़के में मैंने सूखी लाल मिर्च लिया था, कांदा वगैरह डाला, जीरा, और सब्ज़ी में बस हल्दी नमक हरी मिर्ची बस थोड़ा बहुत ही, और चाहिए तो लास्ट में आप भुना हुआ जीरा पाउडर भी डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाला था, धनिया पत्ता डाल के वो रेडी हो गया। धनिया पत्ता मैंने डाला और टमाटर ये सब डाल के रेडी हो गया। डिटेल रेसिपी चाहिए तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा, इंशाल्लाह मैं ज़रूर शेयर करूँगी। तो हमारा लंच हो गया दोपहर का, फिर उसके बाद मैं सो गई थी दोपहर में, फिर उसके बाद शाम में मैंने चाय बनाया। चाय के साथ तो मैंने बस दो बिस्किट लिया। बस आज का मेरा व्लॉग बस इतना सही है, आई होप आप लोगों को पसंद आया है, तो प्लीज़ अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।